गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना की चुनौतियों से निपटने तथा संचारी रोग नियंत्रण और स्वच्छता अभियान की समीक्षा। कहा, डोर टू डोर सर्वे कराकर कराया जाए कोरोना की टेस्टिंग, साफ सफाई पर रखा जाए विशेष ध्यान। संभावित बाढ़ के मद्देनजर प्रदेश के जल शक्ति सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री ने अधिकारियों के साथ की बैठक। कहा, तटबंधों पर रखे निगरानी, न होने पाए कोई अप्रिय घटना। मंडल में बाढ़ की स्थिति का प्रदेश के जल शक्ति संसाधन मंत्री ने किया हवाई सर्वेक्षण। कहा, नहीं है कोई बाढ़ की समस्या। 14 जुलाई को जारी नए रोस्टर में आभूषण और ज्वेलरी की दुकानों की बंदी के समय को लेकर हुए कंफ्यूजन को सिटी मजिस्ट्रेट ने किया दूर। कहा, रोस्टर के दिन आभूषण और ज्वेलरी की दुकानों के खुलने का समय है सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक, करना होगा सोशल डिस्टेंसिंग सहित अन्य दिशा निर्देश का पालन। कैंपियरगंज थाना की पुलिस ने 24 घंटे के अंदर नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार की घटना में वांछित आरोपी अभियुक्त को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। सीओ कैंपियरगंज दिनेश कुमार सिंह ने किया खुलासा। कैंट थाना पुलिस ने दो शातिर वाहन चोरों को किया गिरफ्तार, पुलिस ने चोरी की 5 मोटरसाइकिल किया बरामद, सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने किया खुलासा। जिला अस्पताल में तैनात स्टाफ नर्स सहित 3 लोगों की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव, 2 मरीज को मेडिकल कॉलेज और 1 मरीज को स्पोर्ट्स कॉलेज में किया गया भर्ती, वार्ड को सैनिटाइज कर अगले 48 घंटे के लिए किया गया सील। 48 घंटों की बंदी के बाद शुक्रवार को खुला कलेक्ट्रेट परिसर, एडीएम फाइनेंस ने कहा, जरूरत पड़ने पर ही आए कलेक्ट्रेट, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का भी करें प्रयोग। शासन के निर्देशानुसार थाने में चिन्हित किए गए टॉप 10 अपराधियों में 2 अपराधियों को पकड़ने में कैंट पुलिस को मिली सफलता, सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने किया खुलासा। गोरखपुर जिले में शुक्रवार को 3 कोरोना संक्रमितों की हुई मौत, 50 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए मरीज, जिले में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या हुई 957, 498 स्वस्थ होकर जा चुके हैं अपने घर, जिले में 437 एक्टिव है कोरोना मरीज, सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। महानगर में शुक्रवार को खुली सभी दुकानें, शनिवार और रविवार को रहेगी साप्ताहिक बंदी, एडीएम फाइनेंस ने कहा, कोरोना नियमों का पालन करें सभी दुकानदार। गीडा थाना प्रभारी द्वारा भारी फोर्स के साथ किया गया पैदल गश्त, लोगों से मास्क लगाने और लॉकडाउन का पालन करने की अपील। और छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा देने के उद्देश्य से प्राथमिक विद्यालय दाऊदपुर में अभिभावकों को किया गया निःशुल्क पुस्तक का वितरण, प्रधानाचार्य ने कहा, कोरोना महामारी में किताबों के जरिए घर पर ही ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करें छात्र।